सर दर्द का मरीज हूं, थोड़ी थकावट शुरू हो जाती, फाका शुरू हो जाता, तो मैं रोजे रखने के लिए मरी चला जाता हूं कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोजे का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ वो बैलेंस कर देता है, तो मैं कुछ तीन चार रोजे फिर भी छूट जाते हैं लेकिन अक्सर पूरे हो जाते। तो भूरबन में वहां एक जगह मैं ठहरता हूं, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूं मुआशरत पर। तो पहली दफा जब मैं वहां ठहरा तो आठवें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी जिंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिंद ने मुझे मारा नहीं, पहला हफ्ता। इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने वाले, कहा पहला जिंदगी का हफ्ता है मेरे खामिंद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और दसवें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कहा मेरे बहनोई ने मेरी बहन की एक दफा टांग तोड़ी, एक दफा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है, हमें किसी ने यह बताया नहीं था, हमने जिंदगी में पहली दफा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि जिंदगी कैसे गुजार। तो फरहान की जिंदगी फतवे से नहीं चलेगी कि मैं मुफ्ती नईम का बेटा हूं, ये तो हुस्न अखलाक से चलेगी, मीठे बोल से चलेगी। मेरे नबी हजरत आयशा को लुकमे बना के खिलाते थे, कोई इजहार इश्क था, अल्लाह की कसम इजहार तालीम था, तालीम थी, सिखाया कि जिंदगी गुजारनी कैसे।